आज इस वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे बे औलाद मर्द और औरतों के लिए जो कि बेहतरीन नुस्खा आज मैं बताऊंगी, जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। और नाज़रीन, जैसा कि बे औलाद मर्द और औरतों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन ये बात है कि अल्लाह ताला उनके घर में औलाद नहीं होती तो वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत मायूस होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उदास हो जाते हैं कि हमारे घर अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। तो ऐसी सूरत में नाज़रीन, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ, बहुत ही कारामा नुस्खा, बहुत ही उमदा जो मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है औरत के लिए, ये दवाई पहले बताऊँगी कि मखसूस अयाम के 3 अदद आपने अनार लेने हैं, अनार। तो उसके बाद आपने साबुत अनार लेकर रोज़ाना आपने 1 अनार खाना है। तो इसके बाद आपने अनार के छिलके नहीं फेंकने, और अनार के जो छिलके हैं वो ये आप देख सकते हैं सूखे हुए अनार के छिलके हैं मेरे पास, मगर उस वक्त ताज़े होंगे आपके पास अनार के छिलके, वो आपने नहीं फेंकने। तो वो आपने इसी तरह जो है ये अमल करना है कि छिलकों को आपने पानी में सारी रात 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आपने ये छिलके जो है पानी में सारी रात डबो कर रखने हैं। सुबह जब औरत उठेगी तो सुबह उठकर वो निहार में वो पानी आपने छान कर पी लेना है, छिलके आपने ज़ाया कर देने। इसी तरह ये अमल 3 दिन आपने करना है। और फिर जो जुमे के रोज़, जुमे की रोज़ नमाज़ पढ़ने के बाद पहले पहले आपने, जुमे की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले औरत ने जो बांझ है उसको चाहिए कि वो सूरह मरियम और सूरह मोहम्मद 1 बार पढ़कर पानी पर दम करके रखे, और 1 बोतल में उस पानी को रोज़ाना आपने पीना है दोनों मियाँ बीवी ने अगले जुमे तक। अगले जुमे को फिर नमाज से पहले पहले फिर पानी पर ये दोनों सूरतें पढ़कर फूंक मारकर रखना है, रोज़ाना पीना है। इसी तरह ही 3 महीने तक ये अमल करना है। अगर 3 महीने आप अमल कर लेती हैं तो आपको देखना बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये आपने जो काम नहीं करता, जो काम नहीं होते, जैसे घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं औरतें तो वो ये अमल नहीं कर पाती तो परेशान रहती है, नहीं नाज़िर, अगर आपने ये काम कर लिया तो अल्लाह ताला आप देखेंगे कि दोबारा अल्लाह ताला ज़रूर आपको जो साहिब औलाद बनाएगा, ज़रूर आपको ये सुनेगा, तो दोबारा दोबारा भी आप जो है उम्मीद से हो जाएंगी। तो ना 3 महीने तक आपने ऐसा ही करना है जिस तरह मैंने बताया। तो आपने जो है हर जुमे जैसे भी आपके जुमे, फिर दोबारा आपने 3 जुमे इसी तरह ही आपने अगले महीना जब आया आए आपका, तो आपने अगले जुम्मा जैसे शुरू हो जाए तो अगले महीने का, तो फिर आपने इसी तरह ही आपने जो सूरत मरियम और सूरत है मोहम्मद पढ़कर आपने पानी पर फूंक मारकर 1 बोतल बना लेनी, पूरे महीने 3 महीने की 3 बोतलें बना लेनी आपने, यानी कि 1 बोतल पूरे 1 महीने पी लेनी, फिर अगले महीने फिर दूसरी बोतल इसी तरह बनानी है, और फिर उसी तरह 3रे महीने भी आपने इसी तरह 1 बोतल बना लेनी पानी की। तो इस तरह 3 महीने तक आपने ऐसा ही करना है जिस तरह मैंने बताया। और उसके मर्द को जो है साबूदाना बनाना है, जो सफ़ेद रंग का गोल गोल से दाने होते हैं वो आपने साबूदाना अपने मर्द को दूध में खीर सी बनाकर रोज़ाना निहार मुँह खिलानी, ये मर्द ने दवाई खानी इस तरह निहार मुँह साबूदाना, उसमें कुछ ऐड नहीं करना, यही आपने खाना है निहार मुँह। आपने 7 रोज़ तक जो है मर्द को ये दवाई इस्तेमाल करानी है, इंशाल्लाह ताला इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपको अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा, और मेरी दुआ है कि ज़रूर अल्लाह ताला आपको जो है साहिब औलाद बनाए, आमीन। तो नाज़िर मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे आपकी उम्र क्या है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, मर्ज़ कितना पुराना है, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो तो बता दें मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। और नाज़िर अगर आप मेरे मज़ीद उसके हासिल करना चाहते हैं तो मज़ीद मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, और फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।